हेलो फ्रेंड्स, निशी चौधरी किचन में आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। तो चलिए पहले ले लेते हैं हम एक तड़का पैन। गैस ऑन करके मैंने तड़का पैन रख दिया है। इसके बाद डाल दूंगी मैं 1 चम्मच घी, क्योंकि हमको ड्राई फ्रूट्स हल्के फ्राई करने हैं। सर्दी की मौसम है तो घी हमारा जमा हुआ है। लीजिए, यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। इसके बाद डाल दिए हैं मैंने कट करके रखे हुए थे पहले से ही बादाम। चम्मच से मिला लूँगी मैं अच्छे से इनको। इसके बाद डाल दूँगी मैं काजू, मोटा मोटा सा कट करके रखा था, थोड़े से पिस्ता। अब इन सभी को मैं मिला लूँगी। ज़्यादा नहीं फ्राई करने हैं, ज़्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए इनका, बस हल्का गोल्डन ब्राउन चाहिए हमको। देखिए, कलर चेंज हो गया है हमारे ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पे। अब इसके बाद इनको मैं अलग रख लूँगी। अब हम रख लेंगे यहाँ पे लो फ्लेम पे अपनी कढ़ाई। और जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है तो इसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी का ही इस्तेमाल करना है हमको बेसन के हलवे में। हिला लूँगी ऐसे कढ़ाई को ताकि ये जल्दी से हमारा घी यहाँ पर पिघल जाए। ठंड ज़्यादा होने के कारण ये जमा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद डाल दूँगी मैं 1 कटोरी बेसन। जितना बेसन लेना है उसी मात्रा में लूँगी मैं यहाँ पे चीनी। मीठा कम पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीनी को आप कम भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर अब हमको इसको गोल्डन होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, जब तक हल्का सुनहरा ना हो जाए हमारा बेसन यहाँ पे। ये तली में जले ना, तो हमको ऐसे ही लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी तो इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। और देखिए, 2 मिनट हो गई है मुझको यहाँ इसको लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए, तो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है हमारे बेसन से। देख सकते हैं आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पे। अब इस स्टेज पे डाल दूंगी मैं थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर, ताकि हमारे हलवे का कलर अच्छा आए। बाजार में कई कलर आते हैं, तो आप एक लड्डू का कलर होता है, एक हलवे का कलर होता है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर जो हलवे में डाला जाता है उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद डाल दूंगी मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी। मीठा कम पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लूंगी मैं चीनी को, ऐसे ही डालती हूँ पानी से पहले, ताकि हाथों पर इसके छींटे ना लगे और हमारे हाथ जले ना। तो ऐसे बस थोड़ा सा मिला लीजिए इसको। अब ऐड करूँगी मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास दूध। ये उबला हुआ दूध है, इसको भी मैं मिला लूँगी। इससे हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब 2 गिलास डाल दिया है मैंने यहाँ पर उबला हुआ पहले से ही गर्म पानी। हलवा बना रहे हैं तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए। हलवा बनाने की पूरी सामग्री मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जब भी हलवा बनाएं तो वहाँ से आप देख लीजिए कि कितनी सामग्री का इस्तेमाल किया है हमने बेसन के हलवे में। खुशबू के लिए डाल दिया है मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, ताकि हमारे हलवे में फ्लेवर अच्छा आए और खाने में भी टेस्टी लगे। अब इस स्टेज पे डाल दूंगी मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से ही फ्राई किए थे घी में, अब इनको भी मिला लेंगे।
अगर ऐसे ही मुझको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ऐसा ही टेस्टी मज़ेदार हलवा बना सकते हैं आप। ये थोड़ा अभी मुझे पतला लग रहा है तो 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसको। और लीजिए दोस्तों, ये बन के तैयार है हमारा यहाँ पे गर्मा गर्म बेसन का हलवा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे हलवे से, और ये बनाने में कितना आसान है हमारा यहाँ पे बेसन का हलवा। तो चलिए फटाफट से सर्व करते हैं इसको। गैस को कर देंगे बंद। अब इसको मैं थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दूंगी और बादाम से। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारा यहाँ पे गर्मा गर्म बेसन का हलवा। तो एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे। थैंक यू।